बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एलजेपी सांसद प्रिंस राज पासवान के खिलाफ एफआईआर हुई है। रेप मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन हुआ है और पीड़िता की ओर से 3 महीने पहले शिकायत दी गई थी। बिहार के समस्तीपुर से एलजेपी के सांसद हैं प्रिंस राज पासवान, चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं प्रिंस राज पासवान। एफआईआर में चिराग पासवान का भी जिक्र किया गया है और पीड़िता का आरोप है कि उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया। इस बारे में चिराग पासवान को भी जानकारी दी गई थी, ऐसा पीड़िता की तरफ से आरोप लगाया गया है। और पीड़िता ने आरोप लगाया है कि चिराग पासवान ने उनकी बात नहीं सुनी, अनसुनी कर दी। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया है अपने साथ दुष्कर्म का और ये भी बताया कि उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया। इस बारे में चिराग पासवान को भी जानकारी दी थी, ये पीड़िता का कहना है, और चिराग पासवान ने उसकी बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त पॉलिटिकल जगत की, जहां एलजेपी के सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पासवान के खिलाफ एफआईआर हुई है। रेप मामले में कोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन हुआ है और पीड़िता की ओर से बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले शिकायत की गई थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, ये चिराग पासवान के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, कोर्ट के आदेश के बाद इसमें एक्शन हुआ है और ये बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के आरोपी हैं वो, क्या कुछ ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक महिला की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस के द्वारा एफआईआर की गई है, वो भी अब 9 सितंबर के यानी 3 महीने बाद शिकायत दर्ज की गई है। मगर दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल ये जरूर निशान लगा रहा है, जैसे कि लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो एक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि पॉलिटिकल इंसिडेंट बताया जा रहा था, क्योंकि लोजपा जो पार्टी थी यानी कि उनके जो बच्चे चिराग पासवान के जो कचेरे भाई है प्रिंस पासवान, उनके खिलाफ और चिराग पासवान का भी नाम उसमें शामिल किया गया था। मगर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी और कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से शिकायत दर्ज की गई है यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है, वो एक बड़ा सवाल जरूर बनता है। मगर देखना होगा इस महिला की शिकायत के आधार पर कितनी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जी राजीव, इस एफआईआर में चार्ज किसके किसके ऊपर फ्रेम किए गए हैं? क्या सिर्फ इसमें प्रिंस राज पासवान ही है या चिराग पासवान के ऊपर भी चार्ज फ्रेम है? देखिए बिल्कुल सही, जिस तरीके से बात करें प्रिंस पासवान की, तो प्रिंस पासवान का जरूर नाम दिया गया है और चिराग पासवान का नाम भी अभी तक आता हुआ नजर आ रहा है। मगर जैसे अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया तो प्रिंस चिराग पासवान का भी नाम इसमें शामिल है। मगर पहले जो शिकायत दी गई थी उसके अंदर चिराग पासवान का नाम जरूर दिया गया था, मगर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि एफआईआर के अंदर चिराग पासवान का भी है। मगर हाँ, प्रिंस पासवान का नाम जरूर दिया गया है जो चिराग पासवान के कचेरे भाई हैं। जी ओके, बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज, जियोटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज़, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।